तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स। और आज फिर आपके एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो जो पहली वीडियो थी उसमें इतना गजब का रिस्पांस मिला था, तो आज हम मतलब जो पहले फ़ोन वाली आईफोन 12 की वीडियो गई थी तो उसमें लगभग 1-1.5 हज़ार लोगों ने वो देखी। उसके बाद में सब्सक्राइबर बढ़ गए। और आज इससे एक बात का तो पता चल गया कि तुम्हें जो सारी लगभग जो पीछे वाली है जो एक्सपेंसिव चीज़ देखने की आदत है, तो आपको ऐसे ही वीडियो हम दिखाने की कोशिश करके। तो आज भी हम जो फ़ोन से भी 4-5 गुनी महंगी चीज़ थी हम उसके बारे में दिखाओगे, उसके बारे में बताओगे। जो मेरी सेहत है वो चीज़ भी ले रहा है, वह चीज़ ना तो कोई गाड़ी है, ना मोबाइल है, ना कोई कुछ और बाइक है। आज उस चीज़ है वो हमारे पीछे खड़ी है जो तुम्हें दिख रहा होगा थोड़े से। तो हम आज साइकिल की बात कर रहे हैं। आज हम इस तक पूछ जाएंगे भाई, इस पर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, जापनीज तो इस पर पूछ जाएंगे। फिर वो जो ट्रांसलेट करके मैं तुम्हें बताऊँगा यू किस बारे में बता रहा है कि जो या इस प्रकार के साइकिल है इंडिया जो जापनीज करेंसी में है या 8 लाख येन की है, और जो इंडियन करेंसी में जो INR में बैठेगी या बैठेगी 4,50,000 के आसपास। तो इतनी महंगी साइकिल इसने क्यों ली, कैसे ली, अगर इंडिया में किसी को लेनी हो तो लगभग उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज इस तरह थोड़ी सी इस बारे में जानकारी ले वागे। थोमा सा इसका नाम है कि खक्को इसने これどこの自転車ですか？これはアメリカのキャノンデールという会社の自転車。これ誰が紹介してもらったんでしょうかね？これは天神のワイズロードさんのスタッフのおすすめで。ये कह रहा है कि ये एक अमेरिका US की कंपनी है और आज इसे यहाँ एक शॉप है फुकुओका में, तो इसने उसने इसे बताया था कि वह जितेंद्र है, मतलब कि वह साइकिल बढ़िया है, वह लेनी ठीक रहेगी। कुरे वाह के को थका सो है ना, दोनों ग्राई पूरा देखा था इसका ना। जे को मी फुल सेट दे 80 万円। या थका ना इसका थका है। これ何の仕事とかしてますか？なんかアルバイトを頑張って買いました。はい、何歳ですか？18歳です。18歳は80万の自転車はやばいよね。やばい、めちゃくちゃ頑張ったですね。この自転車は、このフレームの中空洞になってて、エアロ性能を発揮するためにセンターのコードを全てフレームの中に内装されている構造になってるんですよね。そのために今世界で一番速い自転車って言われてて、このコンポーネントもちょっとこだわってて、ブレーキ、クランク、フロントディレイラー全てアルテグラを揃えて使ってます。はい。どのぐらいバイトしてから買ったんですかね？6ヶ月半ぐらい。いや、तो जो ये बता रहा है कि यू एक स्टूडेंट है, इसकी एज 17 साल है और इसने 6 महीने अपने पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में या 8 लाख येन की साइकिल ली थी। और इसे साइकिल मतलब कि पसंद है जब भी आदमी इतनी महंगी चीज़ ले हुआ है। और इस तरह हम और थोड़ी सी इसके बारे में जैम कह ले। ほぼないタイヤになってるんですよね。でこっちはもうビクトリアのコルサっていうのも使ってるんです。タイヤはビクトリアのコルサ使ってます。で、あとはスプロケットが今、11-30使ってる。おいしちいきまいにちいきばなわへ。
同じ自転車は日本でもありますか？日本にも、複数台、十何台はあります。あ、この色も同じ？この色もあります、ね、あ、この色もある。でもサイズとかもバラバラなので、もうこのサイズは1台ぐらいしかない。1台。このボトルは、イタリアのレースで使われた、ツールドフランスで使われた実際のモデルのボトルを使ってます。わあ、高いですか？これは2000円です。いやー、まあ高いよね。1台ぐらいしかない。1台や。ये कह रहा है कि मतलब कि जो इस कलर की और भी साइकिल है, लगभग 10 साइकिल है पूरे जापान में, लेकिन जो यूज साइज है इस साइज की सिर्फ एक ही है इसके पास है जो, और इसने मतलब कि अगर जो जापान में इसने 6 महीने करके जॉब करके जीव ली थी, अगर इंडिया में लेनी हो तो मुझे तो पता नहीं, मतलब इंडिया में क्योंकि पार्ट टाइम जॉब इंडिया में लगभग है नहीं, तो अगर किसी स्टूडेंट को 17 साल के स्टूडेंट को अगर यह लेनी हो इंडिया में क्या करना पड़ेगा कि उसे किस टाइप का काम करना पड़ेगा जिससे वो 8 लाख की ऐसी साइकिल ले सके। तो इसमें थोड़े से बारे में, तो क्योंकि जापान के जो जो स्टूडेंट है वे लगभग कुन्नी होंगे नान सही करा भाई तो देखिए सुना हम्म, कोको से करा, कोको से नान सही, कोको से जीगो, वो जो जापान में है 15 साल तक पार्ट टाइम जॉब कर सके, और कोई जिकांग थे मत दे लो बस ये रु 10 बजे मादे あ、10時の後はダメ。ダメ。通勤スピードとタイム、スピード、実際に出てるスピードとか、あとコードとかカロリーもちゃんと出るようになってて、そっちのマップに行くと、積み、合計で走った距離、今1737キロ走ってるんですけど、はい。あとは、地図、はい。カーナビーを持ってきて、これはコードを測る。जो है जो 15 साल तक जॉब कर सके, और फिर वो उसका टेम है कि अपने स्कूल के बाद में, स्कूल ख़त्म हुई स्कूल में तो वो इसलिए जाएगा ही, उसके बाद में अपना 10 बजे तक वो जॉब कर सके, इससे ज़्यादा वो कर नहीं सकता कुछ भी। तो हमारे साथ यू मुझे थोड़े दिन पहले मिला था और हम फ्रेंड बन गए थे, तो फिर हमने सोचा कि तुम्हें तो यह एक्सपेंसिव चीज़ दिखाई जा, और यू आज हम तो जो इसने अभी ये बात बताई है कि साइकिल के बारे में, जो इसका जो फ्रेम है वो मतलब कि अंदर से खोखला है, वो कार्बन फाइबर का बना है, जो जो अगर ये कार होती है महंगी महंगी कार, जो इनकी सामने की जो ग्रिल बनी होती है वे भी कार्बन फाइबर का बनी हुई है। कार्बन फाइबर एक बहुत महंगी मतलब कि धातु ही मान लो, धातु जैसा होता है, लोहा तो होता नहीं हो, लेकिन लोहे से भी बड़ा टाइट होता है, तो यह उससे बनाई गई है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर इसमें यूं करके देखा गया तो इसमें अंदर एक अलग सी आवाज़ आएगा जैसे कि प्लास्टिक बज रही हो, बल्कि प्लास्टिक नहीं है, कार्बन फाइबर एक बहुत महंगा सामान होता है या उससे बनी होती है। फिर तो इसने बताया कि जहाँ एक यू मीटर लगा रखा है इसने, यू मीटर दिखाया इसने, इससे मतलब कि कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितनी इसकी स्पीड है आज, कितनी इसने चलाई है, और मतलब कि जो अलग अलग टीम सेट हो जाती है इसमें, तो ये उसे बताता है। फिर इसने बताया कि जो इसके टायर थे, वो टायर जो ये महंगी कंपनी है, इसने विजन 55 करके, तो ये उसे बनाती है। तो फिर इसने फिर एक ये बोतल के बारे में बताया, जो ये फ्रांस था, जो फ्रांस की कोई कंपनी है, वहाँ जो लेटेस्ट मॉडल है इसका वो यूज कर रहा है, इसने यह 2000 येन में ली थी। तो यह भी इसने जो जितनी भी सारी इसमें चीज़ है ये पूरी एक्सपेंसिव है, तो इसकी मतलब कि ली थी इसने 8 लाख येन में, लेकिन यह इसमें अलग अलग सामान जो लगा रखे, एक्सेसरीज लगा रखी, तो उससे यह ज़्यादा की पड़ रही है। तो साइकिल की मतलब कि इसके बारे में कुछ और जानकारी लेनी है वो नीचे कमेंट करियो, या फिर किसी को खरीदने, किसी को कहाँ की कंपनी के बारे में है, या फिर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी लेनी है, क्या मतलब कि यह चलने में कैसी है, या फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर इसके अगर ब्रेक खराब हो गए तो इसमें कितने पीसे लगा गए, या फिर कुछ भी ऐसी किसी भी टाइप की साइकिल की कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट में हम तो नहीं क्यों कितने करे थे जा। तो अगर आपको मतलब कि यह वीडियो बढ़िया लगी हो और तो इसे मतलब कि लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, और बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दियो, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आवे कोई और इससे महंगे आइटम की आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो
कोई भी वीडियो मिस ना हुआ तो जितना पहला लवली रिस्पांस आपने दिया था उससे भी दुगना रिस्पांस दियो, आपके लिए और बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में।